आज हम लोगों ने एक भेड़ियों को पकड़ लिया है और उसमें जो DFO बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़ियों को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। अभी तक कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। सत्रह जुलाई से ये घटना शुरू हुई थी, तब से 7 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं और जो समीक्षा बैठक थी देवीपाटन मंडल में, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनसे आग्रह किया गया था, उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई हताहत न होने पाए। DFO और सारे लोग लगे, उसके बाद जब घटनाएँ जैसे जैसे बढ़ती गईं तो 3 बार चीफ कंजर्वेटर आई श्रीमती रेणु सिंह जी, उसके बाद माननीय मंत्री जी आए, वन मंत्री, विभागाध्यक्ष आए और सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक के और मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के नीचे सफाई कर्मी तक के सारे लोग, स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं, NM हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये दिन में लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। आपने देखा होगा प्रचार वाहन भी चल रहा है कि जागते रहो, डरो नहीं, सतर्क रहो। और आज भेड़िया पकड़ा गया है तो उसके परिवार के 2 सदस्य भी बचे हैं, तो आज रात और कठिन है क्योंकि वो कहीं भी हमला कर सकता है, इसलिए हम लोग आज रात में निरंतर घूम रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 3-5-6 दिन हो गया तो लगातार घूम ही रहे हैं हम लोग। पहले तो सूचना मिलती थी वहाँ जाते थे, लेकिन 1 सप्ताह लगभग हो गया हम लोग लगातार घूम ही रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ तक बचाया जा सकता है बचाया गया। उस दिन 4 हमले हुए, 3 हमले में बच्चे बच गए और 4थे हमले में वो अयांश नाम के एक 5 साल के बालक को उठा करके ले गया दीवानपुरवा से। जहाँ हम खड़े थे, जहाँ आप पहुँचे थे, जहाँ सर्च हो रहा था, फेक वीडियो हुई थी, उसी ग्राम पंचायत का एक मजरा है दीवानपुरवा, जहाँ से उस बच्चे को लेकर के गया था।